हेलो। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत इनफ थ्योरी हो गई और बहुत तुम लोगों ने थ्योरी के सेशन पढ़ लिए, समझ लिए। थोड़े से स्ट्रीम क्या होती है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं, मेथड रेफरेंसेस क्या होते हैं। और अब गाइस रेडी हो जाओ बिल्कुल कोडिंग के लिए, क्योंकि अब हम इसके बाद जो भी हम लोग सेशंस करेंगे तो ज्यादातर कोडिंग इन्वॉल्व होगी उसमें। और उसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे कुछ ना कुछ पार्ट हमारा कोडिंग का जरूर होगा। तो स्ट्रीम, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रीम जो है वो कोर है जावा 8 की, और इस पे ही सब कुछ आधारित है। और जितने भी इंटरव्यूज क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली टू रिगार्डिंग विद काइंड ऑफ आप कहोगे कि प्रोग्रामिंग, या फिर जितने भी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं, वो सभी के सभी आते हैं आपके स्ट्रीम से। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि स्ट्रीम यानी आपकी बोलेंगे स्ट्रीम बनाते कैसे हैं, राइट? हाउ टू क्रिएट द स्क्रीन स्ट्रीम। तो स्ट्रीम जो हमारी एक पैकेज है, या यू कैन से स्ट्रीम हमारा पैकेज है, उसके अंदर हम लोग का एक स्ट्रीम नाम का जो क्लास है उसका उपयोग करके उसमें कई सारे हेल्पर फंक्शन मेथड है, फंक्शन है, जिसको हम लोग वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, राइट? ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि हम पहला एक तरीका देखते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रीम ऑफ करके, राइट? अगर मैं बात करूं स्टेप, अगर मैं करूं केस 1, ओके, इसको मैं एज अवेलेबल भी कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले अपना केस क्या है, हमने कहा भाई स्ट्रीम ऑफ, राइट? स्ट्रीम डॉट ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई इट, इसमें एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें कि कोई फिक्स नंबर होते हैं एंड उसको कन्वर्जन करना होता है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्ट्रीम ऑफ इंटीजर लेना है, उसको प्रिंट आउट कराना, तो कैसे कराएंगे, राइट? तो इसको स्ट्रीम और इसको मैंने लिखा इंटीजर। तो देखो ये सभी है स्ट्रीम डॉट ऑफ। So, इसमें देखो ये मेथड है स्ट्रीम के, बहुत सारे मेथड हैं जो कुछ स्ट्रीम रिटर्न करेंगे, जैसे जनरेट हो गया, आइटरेट हो गया, है ना? तो इस तरीके के हम लोग स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, ऑफ, ठीक है। और ऑफ मेथड है यानी स्ट्रीम अगर हमें जब भी बनानी होगी तो कैसे बनाओगे, स्ट्रीम ऑफ यानी सीधा ना, स्ट्रीम ऑफ किसकी स्ट्रीम बनाने जा रहे हो, तो हमने कह दिया भैया इंटीजर की स्ट्रीम बनाने जा रहे हैं। तो कैसे टाइप करोगे, लिख दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे प्रिंट कराना है तो प्रिंट हम लोग कैसे कराते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक फॉर ईच मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे आसान तरीका है, अगर हमारे पास स्ट्रीम है ऑलरेडी, ठीक है, स्ट्रीम है और इसको हमने फॉर ईच कर दिया, एंड ये क्या एक्सेप्ट करता है, कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है। अगर आप इसके डिटेलिंग में जाओगे तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एंड दैट वी कैन सी इज अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर में कौन सा मेथड होता है, एक्सेप्ट, राइट? इसकी इम्प्लीमेंटेशन करी जाती है, राइट? तो इधर वापस चले जाते हैं अपने इसमें। तो इसमें इसको दो तरीके से लिख सकते थे हम, तो या तो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू लिख दें। पहला मैं फॉर ईच का इम्प्लीमेंटेशन जो करूंगा वो लैम्डा एक्सप्रेशन से करूंगा, और दूसरा जो मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा वो हम करेंगे मेथड रेफरेंसेस से, ताकि आप लोग दोनों तरीके से अवेयर हो जाओ, राइट? तो इसी तरीके से भी हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन का इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको इसको हम लोग सिंपल स्पेस आई एंड दैट्स इट साउट ये साउट एंड आई, राइट? सो अभी देखो हम लोगों ने कितनी आसानी से स्ट्रीम क्रिएट कर दी है। अब इसको अगर हम लोग चला के देखेंगे तो हमारी गिनती प्रिंट हो जाएगी। और इसके आगे से मैं मेथड रेफरेंसेस का ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि दैट वुड बी इजी एंड मोर कॉम्पैक्ट। तो अब चलो इसी को ही मैं कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। नाउ लेट मी कन्वर्ट इट टू मेथड रेफरेंसेस, ये है लैम्डा, लैम्डा, राइट? अभी हमने क्या कह दिया, स्ट्रीम 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 डॉट फॉर ईच, और इस पे हमने कह दिया सिस्टम डॉट आउट, और कौन सा मेथड, सिंपल बताना हमें, प्रिंट
एलन, राइट, सॉरी, पी आर प्रिंट एलन, करेक्ट। सो ये फटाक से अभी इसको हम लोग चला लेंगे। तो यानी जो ऊपर वाला कोड है और ये वाला कोड है एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंस अबाउट इट, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा एक तरीका, करेक्ट। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा केस वन, केस वन, और यू कैन से लेट मी टाइप इट विद केस 01, और ये है हमारा ऐसा हमेशा मेथड हमारा स्ट्रीम, स्ट्रीम डॉट पॉप। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, स्ट्रीम पॉप, ठीक है। अभी दूसरा हमारा क्या केस है, इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। एंड दूसरा हमारा जो केस है वो है स्ट्रीम ऑफ अरे। अगर कोई तुम इसमें अरे पास कर देते हो, इवन देन इट वर्क इन द एग्जैक्टली सेम वे, लाइक वो भी उसके भी थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते करा सकते हैं स्ट्रीम्स को। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रीम ऑफ सेकेंड केस क्या है अपना, केस 02, स्ट्रीम ऑफ अरे, राइट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जल्दी से कोड लिख लेते हैं कहें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हमारा कोड है तो इसमें देखो स्ट्रीम्स हम लोग ने डिफाइन किया है, इस वजह से एरर आ रही है, इसको भी हम कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं। एंड नाउ, ठीक है, अभी हम इसमें एक चीज हाईलाइट करने जा रहे हैं कि अभी हम लोग तो एग्जाम्पल पे ऐसे दिखा देंगे और ये प्रिंट आउट भी हो जाएगा हमारा, यस। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ एंट कर दूं, एंट, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क, राइट, आई बिलीव दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क बिकॉज ऑफ द ऑटो बॉक्सिंग इसमें सपोर्टेड नहीं होती है बाय डिफॉल्ट, राइट। देखो इसमें ऑटो बॉक्सिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती है, तो इसलिए आपको रैपर की इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्ट। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए नहीं है अभी के लिए ये, ओके। नाउ अभी हम सेकेंडली एक जो हमारा केस थर्ड है, क्योंकि हम लोग ने देख लिया ये एरे है, एरे के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो, अगर कोई भी एरे पास करते हैं तो उसकी भी स्ट्रीम्स हम लोग ले सकते हैं, करेक्ट। अब हम लोग केस लेते हैं, केस थर्ड, केस थर्ड है कि अगर कोई हमारे पास लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑलरेडी लिस्ट है एंड कमेंट एट 03, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है तो उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इंटीजर का, लिस्ट, ओके, अगेन इंटीजर, इंटीजर, ओके, एंड इसके बाद हम लोग ने क्या किया है, लिस्ट ले ली एक, ठीक है। लिस्ट के बाद अभी क्या करना है कि भाई न्यू अरे, ओके, न्यू अरे, न्यू अरे लिस्ट, ओके, एंड देयर आफ्टर हमने क्या किया, इसको ऐसे, ओके, सो इंटीजर रिजल्ट लिया और हमारा ये इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट सिस्टम हो गया, और मुझे कुछ 10 एलिमेंट लेट से हमने ऐड कर दिए इसमें, ओके। सो ये 10 एलिमेंट हमने ऐड कर दिए, गुड। नाउ इसमें ऐड करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, स्ट्रीम, अगेन वैसे ही STREAM, स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद इंटीजर, इसके अंदर एंकल ब्रेकर रख दिया है, ओके, जिससे हमें पता चल जाए किस टाइप की स्ट्रीम है, और इज इक्वल टू हमने कर दिया लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ओके, डॉट स्ट्रीम, करेक्ट, और स्ट्रीम को हमने सेव कर दिया, और अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट इन द सेम वे जैसे हम लोग इधर से कराते थे, एंड दैट्स कॉपी पेस्ट कोड। सो ओके, इसको भी तो कोई भी अगर हमारे पास लिस्ट है यानी कलेक्शंस है, वहां से हम लोग स्ट्रीम मेथड डाल के वहां से हमें स्ट्रीम मिल जाएगी, एंड दैट इज नाउ अगेन गोइंग टू बी प्रिंटेड इट। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट इट, यस वी हैव। दूसरा एक मेथड होता है जनरेट या आइटरेशन के थ्रू, अगर हमारे पास एक होता है जनरेट एंड आइटरेशन के थ्रू, अगर हमें कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट, ये उसका केस 4 है।
है केस फोर। ओके सो केस फोर क्या है भाई, 0404, और केस है ये हमारा एग्जाम्पल, इसको भी कमेंट मार देते हैं। एंड अगर हमें कुछ रैंडम नंबर जनरेट करने हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके इफ एनी रैंडम नंबर इज गोइंग टू बी जनरेटेड फॉर अस, ओके एंड देयर आफ्टर वी वांट समथिंग टू बी प्रिंटेड, ठीक है, तो उसके केस में हम लोग कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोड है जिसमें हम लोग ने कहा है कि भाई स्ट्रीम जनरेट कर दो, कितने भी नंबर जनरेट कर दो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग ने क्या कर दिया है भाई, लिमिट एक हमारे पास क्लॉज होता है जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं भाई कितने नंबर प्रिंट करने हैं, करेक्ट। ओके लेट मी जस्ट पुट इट एज ए वो ही है, सो दैट अदरवाइज गोइंग टू बी ओके। नाउ एग्जीक्यूट, ये 10 ये 20 रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। ओके एज वी कैन सी जनरेट का इस्तेमाल किया है हमने, और इसमें हमने एक लैम्डा पास किया है। लैम्डा का लॉजिक कुछ भी नहीं है, जस्ट ये क्या काम करता है कि भैया इन्वोक हो जाएगा जब भी ये इन्वोक कॉल होगा। तो रैंडम नंबर्स लिमिट डॉट 20 एंड फॉर ईच, ओके तो इसमें 20 रैंडम नंबर जनरेट होंगे। अच्छा एक चीज मैंने भी ये नहीं देखी, अगर मैं लिमिट इससे हटा दूं तो क्या होगा, आई रियली डोंट नो, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर राइट अवे, ठीक है। मैं इसको अभी लिम क्या इनफाइनाइट लूप जाएगा, यस दैट वाज द एक्सपेक्टेड वन, इट विल कीप ऑन कॉलिंग बिकॉज अगर तुम्हें इनफाइनाइट नंबर चाहिए, और ये जब हमेशा कॉल होता रहेगा क्योंकि इसमें कोई हम लोग ने एंड ब्लॉक नहीं लगाया है, तो इसलिए हम लोग ने इसमें लिमिट लगाया है। ओके गुड, ठीक है। एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग है या टोकन्स हैं तो उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड उसको हम उससे हम लोग स्ट्रीम्स कैसे निकालते हैं, करेक्ट। सो अभी इसको भी हम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देते हैं, और अगला कोड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, या अगला जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारे पास पांचवा केस है अगर हम लोग बात करें, ठीक है। ओके तो हमने कहा क्या भाई, केस 505 अगर हमने स्ट्रिंग है या हमारे पास इस तरह की कोई चीजें हैं, ठीक है। ओके सो पहला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कैरेक्टर्स से, एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग से, राइट। सो अगर हमारे पास कोई इंट स्ट्रीम है जो हम लोग को एग्जीक्यूट करनी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इन ए स्ट्रीम, लेट मी कमेंट सुमा लाइन एज वेल, अदरवाइज वी विल गिविंग द एरर, ठीक है। ये कोई स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर्स निकाले हैं, कैरेक्टर्स क्या रिजल्ट करेगा, इंट ऑफ स्ट्रीम रिजल्ट करेगा, और उसको हम लोग प्रिंट आउट करा लेंगे, करेक्ट। ओके यू कैन सी कैरेक्टर्स, यस दीज आर द कैरेक्टर्स वैल्यू दैट हैज बीन प्रिंटेड ओवर हियर, एंड ये वही कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं। तुम लोग मुझे उम्मीद है कि तुम लोग साथ साथ समझ पा रहे होगे धीरे धीरे। ये कुछ नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल है दोस्तों, मीन्स इस मैं थोड़ा फास्ट हो सकता हूँ, बट इसका बेसिकली मतलब क्या है कि हमें सिर्फ इस आज के सेशन में हमें स्ट्रीम क्रिएट करना आ जाना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस सभी मेथड्स का प्रैक्टिस करेंगे कि भाई कैसे कैसे जितने भी हमने 5-6 तरीके बताए हैं उसमें स्ट्रीम्स कैसे एग्जीक्यूट कर दी जाती है, कैसे इन्वोक होती है। जैसे एक रेगेक्स मैंने लगाया, जितने लोग को स्प्लिट पता है तो ये क्या करेगा कि भाई डॉलर के बेस पे ये स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, एंड मीन्स स्ट्रीम्स में क्रिएट हो जाएंगी और उसमें उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। तो स्प्लिट का होता है जिस भी जो भी रेगेक्स दी है, रेगेक्स मतलब एक पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब ये क्या होगा कि स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा और अप्लाई पे जितने भी उसके टोकन्स क्रिएट होंगे वो मिल जाएंगे जाके इस वाली स्ट्रीम को। ओके एंड जैसे इसका आउटपुट ABC आना चाहिए क्योंकि ये डॉलर के बेस पे स्प्लिट किया गया है, करेक्ट। ओके ठीक है, ठीक है ABC। और एक फाइनल, इसके अलावा मैं एक लास्ट एग्जांपल और बता के सेशन को मैं क्लोज करूंगा कि अगर हमें कभी रेंज चाहिए हो, मीन्स अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमें प्रिंट कराना है 0 से 10 या 10 से 20, 10 20 से 30 या 40 से 50, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो एक इस इंट स्ट्रीम नाम की एक क्लास होती है जिसमें एक रेंज फंक्शन होता है, ठीक है।
इंट स्ट्रीम में एक रेंज फंक्शन होता है, ये इंट स्ट्रीम रेंज। और इसमें अगर लेट्स से हमने कह दिया भाई हमें 10 से 20 प्रिंट कराना है, 10 से 20 प्रिंट कराना है, या 20 से 30 प्रिंट कराना है, ओके। सो अभी इसका उपयोग करते हुए क्या करना है भाई लोग, तो इसमें हम लोग प्रिंट कराने वाले के लिए सिस्टम बढ़िया है कि ये कोड उठाया हमने, ये नीचे चेपा मार दिया राइट, एंड दैट्स इट। इसके बाद हम लोगों को ये क्या चीज होगी, अवेलेबल हो जाएगी, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। जैसे इसने देखा कि भाई ये हम लोगों ने 10 से 29, यानी यहां से तो इंक्लूडेड होता है, लास्ट वाला जो कैरेक्टर होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी अगर वो तीस तक प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पर 31 लिखना होगा, ओके, तभी आप इसको रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 0 से कर देता हूँ, और जस्ट टू सेफ की भैया आप लोग भी इसको देख पाओ, वैलिडेट कर पाओ, तो इस 0 से 24 तक की गिनती प्रिंट होगी, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। हमने स्टार्टिंग फ्रॉम क्या की, हमने स्टार्टिंग किया स्ट्रिंग ऑफ से, स्ट्रीम ऑफ से। स्ट्रीम ऑफ एक मेथड होता है, अगर स्ट्रीम ऑफ में ही इसका जो पॉलीमॉर्फिज्म यानी मेथड ओवरलोडेड है, अगर इसमें एरे पास कर दोगे उसके थ्रू भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें ऑटो बॉक्सिंग अभी सपोर्ट नहीं करता है। अगर तुम लोग इंटीजर पास आउट करोगे तो दैट वुड बी गिविंग एज अ कंपाइल टाइम एरर। कोई भी अगर तुमने लिस्ट बना ली है उससे अगर तुम लोगों निकालना चाहते हो तो उससे भी निकाल सकते हो राइट। एंड इसके बाद हमारे पास आइटरेटर होते हैं, एंड जनरेटर होते हैं, जनरेट फंक्शन होता है एंड आइटरेट फंक्शन होता है, ठीक है। जनरेट और आइटरेट में ये इनफिनाइट होते हैं अगर तुम इसमें लिमिट नहीं लगाओगे, यानी कितने एलिमेंट, यानी लिमिट का फंक्शन का क्या अर्थ है कि तुम लोग जस्ट लिमिट लगा रहे हो कि कितने प्रिंट करने, कितने एलिमेंट तक चलना है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे राइट। एंड इंट स्ट्रीम होती है जो कि हमारे पास, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, इंटीजर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो इनमें कैरेट्स एक फंक्शन है। और इसके बाद हमारे पास अगर स्ट्रीम ऑफ इसको स्प्लिट कर दोगे तो स्ट्रिंग एपीआई में भी कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। एंड फाइनली इंट स्ट्रीम होती है, डॉट रेंज फंक्शन होता है, 0 से 25 कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आने वाले टाइम पे बहुत इन डिटेल एक एक मेथड और बहुत लॉट ऑफ कोडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसके थ्रू मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जावा 8 में एटलीस्ट स्ट्रीम एपीआई में कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन क्रैक कर सकोगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच।